उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। सरकार ने पेपर लीक होने के आरोप के बाद ये फैसला किया। राज्य सरकार ने एसटीएफ से आरोप की जांच कराने का भी ऐलान किया है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई थी। राज्य भर के 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर के कथित लीक के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों को दोषी ठहराया है। पर्चा लीक कौन कराता है? पर्चा लीक कराते हैं सरकार में बैठे अधिकारी, और हर बार लीक होता था। तो क्या सरकार ने अगर स्वीकार कर लिया है कि पर्चा लीक हुआ है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि सरकार जांच कराती है, फिर अपने लोगों की मदद करके, जांच में सहयोग करके उनको बरी कर देती है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल छात्रों ने कथित पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ के इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन किया था। सर, भर्ती बोर्ड और सरकार से एक ही मांग है कि पूरी चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल कराया जाए और उसका री एग्जाम कराया जाए। और उसके लिए क्या करना है कि आप मुझे जल्द से जल्द तारीख दी जाए, कि ऐसा ना हो कि आप किया चुनाव के दबाव में आकर, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं सर, चुनाव के दबाव में आकर आप बोर्ड ये तो रद्द कर दो और फिर उसके बाद तुम तारीख भी मत दो। अब पता लग रहा है आप 4 साल बाद कर दो, तो वो नहीं चाहिए कि आप तुरंत इसे रद्द करें और हमें एक डेट दें कि भाई चुनाव के इतने दिन बाद करा दिया जाएगा। कांग्रेस ने कथित पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द होने का सहरा राहुल गांधी के सिर बांधा। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वजह से जो पेपर लीक हुआ था पुलिस कर्मियों ने परीक्षा को लेकर, इसके लिए करीब 50 लाख युवा ने परीक्षा दी, करीब 60,000 पोस्ट के लिए पेपर लीक हुआ। छात्र और छात्र संगठनों से मांग आई कि ये एक ही मिसाल है, सभी पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है हमारे देश में, और आज अभी अभी खबर मिली है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया था, उसके बाद में प्रियंका जी ने भी इसको उठाया है, उसका असर देखने को मिला है और ये एग्जाम कैंसिल किया। भर्ती परीक्षा में गैर कानूनी साधन अपनाने या इस्तेमाल करने के आरोप में पूरे राज्य में 240 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है।